नमस्कार दोस्तों, उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक रूम हीटर आया है रिपेयर के लिए दोस्तों, तो जिसको हम बनाएंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों ए टू जेड आपको बताएंगे दोस्तों कि कैसे बीमारी को चेक करेंगे दोस्तों, कैसे चेक करेंगे ताकि पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है दोस्तों, और फुल डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो मॉडल है दोस्तों IP20 है दोस्तों, ओडिवा का मॉडल है ये दोस्तों। कोई भी रूम हीटर हो नो मैटर करता है दोस्तों, बस उसका जो है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप क्या प्रॉब्लम होता है वो जानेंगे दोस्तों। अधिकतर दोस्तों इसका जो फिलामेंट होता है दोस्तों ये खराब होता है, जो कॉयल है दोस्तों नीचे में अंदर में दिख रहा होगा दोस्तों, आपको दिखा देंगे। ऐसे मेरे पास ये है दोस्तों, ये भी कॉयल है दोस्तों, देख लीजिए। तो यही अधिकतर दोस्तों यही सब खराब होता है दोस्तों, और एक कॉयल का तो ये दोस्तों झड़ भी गया है। तो दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, ये जो अंदर ये एक स्विच है दोस्तों, आपको थोड़ा दिखा देते हैं। ये तो रेगुलेटर स्विच है दोस्तों, जो कि 400 वाट 800 वाट का जो है दोस्तों, 400 वाट में एक फिलामेंट जलेगा, एक कॉइल जलेगा दोस्तों, और 800 वाट में दोनों कॉइल जलेगा दोस्तों। 400 वाट का जो दोस्तों है दोस्तों ये, और दोस्तों ये एक स्विच है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये स्विच है दोस्तों, ताकि दोस्तों ये जो है दोस्तों आपको ये लगेगा दोस्तों, ये फोल्डर रहता है, इसमें आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो लगता है दोस्तों ये लगने के बाद दोस्तों ये क्या होता है कि इसको जो टेढ़ा करेंगे दोस्तों, तो ये स्विच दबा जाता है, तो जिससे कि दोस्तों ये स्विच दबाता है तो ही ऑन होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको डायरेक्ट कहीं लटकाना है दोस्तों, तो इसको स्विच में टेप मार दे दोस्तों, टेप मार दे तो आपका जो है ये आपका ऑन हो जाएगा। अगर वो टूट जाए या नहीं तो जो है कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों इसको ये दबेगा तो ही आपका ऑन होगा, ये आप जान लो। ऐसा नहीं कि मतलब जो है आप नहीं जानते हो तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों कि क्यों नहीं ऑन हो रहा है, क्या बात है नहीं है। तो दोस्तों, अब इसमें देखते हैं, देखिए दोस्तों, इसको खोल के हम रखे हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसका वायरिंग कैसे है दोस्तों, ये आप समझिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये जो आपका मेन तार हो गया दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जो आपका मेन तार है दोस्तों, यही आपका प्लग में लगेगा, आपको दिखा देते हैं ये दोस्तों, ये लगेगा दोस्तों। अब क्या देखिए दोस्तों, इसमें तीन तार है दोस्तों, तो ये जो आपका बॉडी अर्थ हो गया दोस्तों, ये आपका बॉडी अर्थ हो गया दोस्तों, और एक तार जो है दोस्तों, ये तार जो है दोस्तों, ये आपको डायरेक्ट मतलब कॉइल का दो गो छोर होता है दोस्तों, तो आपको दिखा दिए दोस्तों, ये देखिए ये है, मतलब एक इधर का है एक इधर का है, तो दो लगा हुआ है दोस्तों, एक ये साइड एक ये साइड, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें है कुछ नहीं, खाली समझने का फेर है दोस्तों। तो एक तार को दोस्तों मतलब दोनों को दोस्तों डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया दोस्तों, दिख रहा होगा दोस्तों आपको, एक इसमें डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया। अब एक तार का क्या किया दोस्तों, एक तार को तो डायरेक्ट स्विच, उसके बाद एक तार को क्या किया, एक स्विचिंग में लाया दोस्तों, या जो नीचे स्विच आपको दिखाए थे दोस्तों, यही स्विच है दोस्तों, ताकि एक दूसरे में देखिए दोस्तों, ये स्विच है, इसको ये दबेगा तो ये उठेगा, तो ये देखिए दोस्तों, ये स्विच है दोस्तों, ये स्विच में आया दोस्तों, ये देखिए मेन तार डायरेक्ट दोस्तों, ये स्विच में आया, यहाँ से निकला इसमें आया दोस्तों, ये रेगुलेटर स्विच है दोस्तों। अब क्या क्या करता है दोस्तों, अब जैसे एक बार जैसे घुमाइएगा दोस्तों, तो एक बार जो है दोस्तों ये वाला पत्ती जो दोस्तों इसमें सटेगा, देखिए थोड़ा देखिएगा दोस्तों, इसमें दो ऊपर नीचे दोनों है दोस्तों, एक बार घुमाइएगा तो इसमें सटेगा, तो इसमें क्या है दोस्तों, एक फिलामेंट जला, ठीक है दोस्तों, तो जिसको 400 वाट डिनोट किया गया है रेगुलेटर में। और उसके बाद एक बार और घुमाइएगा दोस्तों, तो ये पत्ती जो दोस्तों, ये पत्ती तीनों से टच हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर से नीचे से इससे तीनों से टच हो जाएगा, तो दोनों में करंट आ जाएगा दोस्तों, दोनों करंट आ जाएगा दोस्तों, तो इसमें भी करंट आएगा और इस जगह भी करंट आएगा दोस्तों, दोनों में, तो दोनों जलेगा दोस्तों, तो वो हो जाएगी 800 वाट दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें तो वायरिंग का कुछ झमेला नहीं है दोस्तों, पहले तो आप तार चेक कर लेंगे, लाइट टेस्टर आपके पास होना चाहिए दोस्तों, लाइट टेस्टर से दोस्तों आप पहले तार चेक कर लेंगे कि हाँ तार सही है क्या नहीं है। अगर दोस्तों इसकी नहीं जान रहे हैं फुल चेक करने, तो वो भी बता दीजिए, आपको कमेंट कीजिएगा, आपको फुल सेपरेट वीडियो बना बता दूंगा मैं। देखिए दोस्तों, आपका ये जो है दोस्तों, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है दोस्तों, देखिए बॉडी ग्राउंड है ना। अब देखिए दोस्तों, एक ये तार है दोस्तों, तो ये तार दोस्तों कहाँ गया है दोस्तों, एक तार इसमें गया है दोस्तों, यहाँ से स्विचिंग हुआ है, ठीक है, यहाँ से सटेगा दोस्तों, देखिए यहाँ सटेगा तो इसमें करंट आएगा दोस्तों, इसे करंट हो गया तब रेगुलेटर से होगा दोस्तों, और एक तार दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट इसमें गया है, देखिए दोस्तों है ना,
करना है दोस्तों, यहाँ तक जो दोस्तों मैंने चेक किया दोस्तों, यहाँ तक सब सही है। आप भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भारी बात तो है ना दोस्तों। तो जहाँ तक चेक किए हैं दोस्तों कि आपका जो है कॉइले ख़राब है दोस्तों, तो दोस्तों कॉइल तो ख़राब है दोस्तों, मगर मेरे पास जो है दोस्तों एक ही कॉइल है दोस्तों, मेरे पास दो कॉइल नहीं है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है ना दोस्तों, एक ही कॉइल को फिट कर देते हैं। मान लीजिए 800 वाट का, हमको ज़्यादा वाट का ज़रूरत नहीं है, एक ही स्विच में 400 वाट में हीट कम से कम कुछ तो राहत देगा ना, कुछ क्या अच्छा राहत देता है। बहुत कोई तो दोस्तों मतलब दोनों नहीं यूज करते हैं, एक ही यूज करते हैं, उससे बिजली बिल भी थोड़ा खपत कम होगा होता है दोस्तों, और राहत तो मिल ही जाता है दोस्तों। तो उसको हम लगा के देखते हैं दोस्तों कि काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों कभी भी कॉइल को लगाने से पहले दोस्तों कॉइल को चेक कर लें कि कॉइल सही है क्या नहीं, नया कॉइल को दोस्तों पता चले कि ले आए आप फिट कर दिए, पता चलता है कॉइल ही खराब है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए, ये बता रहा है दोस्तों लाइट टेस्टर से, ये कॉइल सही है दोस्तों। अब इसको जो दोस्तों सावधानीपूर्वक थोड़ा फिट करना पड़ेगा दोस्तों, और जब भी फिट करें दोस्तों तो थोड़ा सा आप जरूर ध्यान देते दोस्तों कि बॉडी करंट तो नहीं आ रहा है दोस्तों, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और जब भी रिपेयर करें दोस्तों सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि इस समय भी दोस्तों ये जो करंट ही आएगा दोस्तों है ना दोस्तों, ये टीना का है, तो इस समय थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम करें दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जो दोस्तों ये कॉइल जो दोस्तों इस जगह दोनों जगह दोस्तों मैंने लगा दिया दोस्तों, कनेक्शन कर दिया मैंने, क्योंकि दोस्तों कॉइल का दोस्तों जो था वो दोस्तों थोड़ा सा चेंजिंग था दोस्तों, ये गोल वाला है दोस्तों, ये लंबा वाला था दोस्तों, ये निकलने वाला था दोस्तों, तो फिलहाल वो नहीं था दोस्तों, तो फिलहाल यही लगा दिए दोस्तों। आप सेम मिलेगा तो आपको खोल मतलब लगा सकते हैं आप दोस्तों। ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मतलब आपको जो है वीडियो बनाने के कारण जो है मैंने मतलब ये लगा के आपको दिखा दिया मैंने, और ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, और इसमें जो है कोई ट्यूब वगैरह जो है ये आप लगा सकते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, और सेफ से ही थोड़ा लगाना पड़ेगा आपको दोस्तों। ये दोनों जगह दोस्तों कनेक्शन कर दिया मैंने। अब दोस्तों चेक करके देखते हैं कि आपका सही हुआ कि नहीं अच्छे से। तो दोस्तों मैंने इसको दोस्तों पलटा दिया दोस्तों, अब इसको नट तो नहीं लगाया दोस्तों, बस फिलहाल चेक करके देखते हैं दोस्तों होता है कि नहीं। अब इसको प्लग तो मैंने लगा दिया दोस्तों, अब इसको स्विच को दबाना पड़ेगा दोस्तों, तो खुद से दबते हैं और देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ये जो है गर्म होने लगा दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस तरह से रिलेटेड कोई वीडियो अगर माइंड में हो ताकि आप जो नहीं जान रहे हैं दोस्तों कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।